नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एक से ज़्यादा बैंकों में है और जो आप अपना मोबाइल नंबर को उसमें लिंक करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हो, और साथ ही अगर आपका अकाउंट जो है जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी में आपका फैमिली मेम्बर का अकाउंट है, क्या उसमें भी आप सेम मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो दोनों अकाउंट में या नहीं, इसी के ऊपर हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और गवर्नमेंट से जुड़ी योजनाओं के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों साथ ही अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों जो एक मोबाइल नंबर होता है हमारे बैंक अकाउंट में जोड़ना कुछ ज्यादा ही आजकल कंपलसरी हो गया है और इसका हमें ही प्रॉफिट होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है तो उससे क्या होता है, जब आप कभी पैसे निकालते हो या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो मतलब डालते हो, तो उसका मैसेज हमारे मोबाइल नंबर पर हमें मिल जाता है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, एक तो हमें बैलेंस का भी पता रहता है और हमें यह भी पता रहता है कि कब हमारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं और कब हम पैसे डाल रहे हैं। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर जो है हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हो गया है, इसलिए सभी को अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में लिंक करा देना चाहिए। उसका चार्ज भी इतना नहीं कटता है, 3 मंथ का चार्ज जो जाता है वो लगभग 20 रुपये से नीचे ही जाता है, 17-18 रुपये के आसपास आपका चार्ज जाता है। तो दोस्तों इसलिए आप अपने मोबाइल नंबर को अपने अकाउंट से लिंक जरूर करा कर रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो कितने बैंक अकाउंट में आप लिंक करा सकते हो। तो दोस्तों सपोज़ अगर जैसे मैं अपना उदाहरण देकर बता देता हूँ कि मेरा अकाउंट जो पंजाब नेशनल बैंक में भी है, SBI में भी है, IDBI में भी है, एक्सिस बैंक में भी है और सभी बैंकों में मेरा अकाउंट है, लगभग 10 बैंकों में मेरा अकाउंट है इस तरीके से आप मान लीजिए। और जो मैं अपना मोबाइल नंबर है अब वो सब बैंकों के लिए अलग अलग तो लूंगा नहीं, एक ही जो मोबाइल नंबर है वो सब में लिंक करा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना एक मोबाइल नंबर अपने सभी बैंकों में लिंक करा सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूँ, जैसे अगर मेरा सपोज PNB बैंक में अकाउंट है और मेरी मम्मी का भी PNB बैंक में अकाउंट है, मेरे पापा का भी PNB बैंक में अकाउंट है, मेरे भाई बहन का भी PNB बैंक में अकाउंट है, तो क्या मैं इन सभी बैंकों में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकता हूँ? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप एक बैंक में सिर्फ, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट है अपना, तो एक अकाउंट में ही आप एक मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हो। अगर हाँ SBI में है अलग, अब PNB में अलग है, तो इस तरीके से आप अलग अलग बैंकों में तो लिंक करा सकते हो। लेकिन अगर सेम ब्रांच में सेम बैंक में आपके दो तीन अकाउंट हैं तो उसमें आप सेम मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा सकते हो, आपको अलग अलग मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे कि अगर आपने लिंक करा भी दिया दोनों बैंक अकाउंट में तो आपका जो बैंक है वो एक ही मोबाइल नंबर एक ही अकाउंट में चलाएगा, दूसरे में से वो हटा देगा, उसका मैसेज आपके पास नहीं आएगा ट्रांजेक्शन का, जब आप पैसे निकालोगे या फिर डालोगे तो उसका मैसेज आपका एक ही अकाउंट का मैसेज आपके एक मोबाइल नंबर पर आया करेगा, दूसरे में आपका वो हटा देंगे क्योंकि जो बैंक का डाटाबेस होता है उसमें आपका एक ही नंबर रजिस्टर्ड होगा सिर्फ एक ही अकाउंट पे। और साथ ही अगर आप कोई ऑनलाइन सेवा यूज़ करने लग गए बैंक की, बैंकिंग यूज़ जैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने लग गए, तो उसमें भी आपको दिक्कत आती है क्योंकि जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उस पर आपका OTP ऑथेंटिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो वो उसी सेम मोबाइल नंबर पर आता है जिस मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हो, इसलिए उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों जो एक मोबाइल नंबर होता है वो एक ही अकाउंट में चलता है सेम ब्रांच में। हाँ अलग अलग ब्रांच में आप यूज़ कर सकते हो कि मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो SBI में भी चढ़ा सकता हूँ, स्टेट बैंक में भी चढ़ा सकता हूँ और फिर कैनरा बैंक में चढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर एक ही बैंक में आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है, मतलब आपकी मम्मी का भी अकाउंट है, आपके पापा का भी अकाउंट है PNB बैंक में ही सपोज़, तो आप उसमें नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ अपने अपने अकाउंट में चढ़ाना होगा। अगर आप अपनी मम्मी या पापा के अकाउंट में चढ़ाएं तो उनमें अलग अलग नंबर चढ़ाने होंगे। तो दोस्तों इससे दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप ऐसा ना करें, सिर्फ वो एक ही अकाउंट में चलेगा एक मोबाइल नंबर। यही मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता था, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आप जो मोबाइल नंबर है वो कितने बैंक अकाउंट में चढ़ा सकते हो या सेम ब्रांच में नहीं चढ़ा सकते हो, आपको ये सब पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।